Hello students, today we're gonna start a new topic which is TPR. TPR yani ki total physical response of a students in the classroom of English language. So students, total physical response ka matlab hai sampoorn sharirik prakriya jisme jo ye sharirik prakriya hai wo students ke dwara ki jati hai classroom mein. Total physical response is a language teaching method developed by James Escher, a professor emeritus of psychology at St. Joe's State University. So, ये जो method है English language को teach करने का और second language को teach करने का, ये develop किया गया था, बनाया गया था James Escher के through, जो कि एक psychologist थे St. Joe's State University में. और ये बेस था टोटल फिजिकल मूवमेंट्स के ऊपर कि लैंग्वेज को आप किस तरह से बच्चों को शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सिखाते हो. सो नाउ लेट्स हैव द डेफिनेशन ऑफ टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम वाइल लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. जब बच्चे इंग्लिश की क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो ये कौन सा मेथड है इसको जानते हैं हम. टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इज अ लैंग्वेज लर्निंग मेथड बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच एंड एक्शन. ये एक ऐसा मेथड है किसी भी भाषा को, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का ऐसा मेथड है जहाँ पर आपकी स्पीच यानी कि जो आप बोलते हो एंड एक्शन जो आप करते हो उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करके ही नई भाषा को सिखाया जाता है इसमें. TPR is based first and foremost on listening and this is linked to physical actions which are organized or designed to reinforce comprehension of particular basic terms. Which means, अगर हम इसको सिंपल अर्थों में जाने तो TPR क्या है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, मतलब टीचर बच्चों को कोई कमांड देती है, कुछ कहती है, फिर बच्चे उसको इनेक्ट करते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्स के थ्रू उसको एक्सप्रेस करते हैं. सपोज टीचर कैन आस्क स्टूडेंट्स टू मूव टू राइट वर्ड और टू मूव टू लेफ्ट वर्ड, रेज योर हैंड, सिट डाउन, तो बच्चे उसको इनेक्ट करते हैं. वैसे ही फिजिकल रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चे उस सेंटेंस को सुनकर. सो इसके थ्रू बच्चे कॉम्प्रिहेंशन करना सीखते हैं, मतलब किसी के जो विचार है उसको कॉम्प्रिहेंड करते हैं, समझते हैं और उसके थ्रू उसको समझ के एक्शन करना सीखते हैं. अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, देन टीचिंग ओरल प्रोफिशिएंसी एट अ बिगनिंग लेवल यूजिंग कॉम्प्रिहेंशन एज अ मीन्स टू स्पीकिंग यूजिंग एक्शन बेस्ड ड्रिल्स इन द इम्पेरेटिव फॉर्म. जो आपका इनिशियल स्टेजेस है, अगर हम बात करें टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो है इनिशियल या फिर बिगनिंग लेवल प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है और इसका ऑब्जेक्टिव यही है, इसका उद्देश्य है कि जो बिगनिंग लेवल के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ, किसी लैंग्वेज को समझ पाएँ और उसकी तरह एक्ट कर पाएँ, जो कि संभव है डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस के थ्रू, ड्रिल के थ्रू. ओके, अब बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल्स के इस मैथड TPR मैथड यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में किस तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, सिद्धांत क्या है. Make emphasis in the physical activity as answer to the linguistic message. Means जब teacher classroom में कोई message convey करती है किसी language में, suppose English language में, so बच्चे उसको respond करते हैं और teacher ensure करती है कि बच्चे respond करें. Then next is the teacher uses orders the most part of the time and the communication with her or his students in the क्लास एंड दे प्रैक्टाइज इट. सो हेयर टीचर जो है बच्चों को कमांड देती है, ऑर्डर देती है वेरियस एक्शंस का, कुछ सेंटेंस बोलती हैं, बच्चे उसको उसको कम्युनिकेट करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, समझते हैं और उसको प्रैक्टाइज करते हैं क्लासरूम में. सपोज आप बच्चों से एक्टिविटी करवाते हो कोई क्लासरूम में, आप बच्चों को कोई स्टोरी सिखा रहे हैं, स्टोरी को सुन के बच्चा उसको इनेक्ट करेगा. Next is the activities in the class privilege the develop of the listening comprehension and the vocabulary and speech acquisition.
सो सबसे बड़ा इसका प्रिविलेज क्या है जो ये एक्टिविटी के थ्रू लैंग्वेज लर्निंग इसमें करवाई जा रही है, उसमें जो बच्चे सबसे बड़ा रोल होता है बच्चों का एज अ लिसनर, बच्चे जो लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक मैसेज है उसको सुनते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंड करते हैं, और इसके थ्रू उनकी जो वोकेबलरी है वो भी इन्हांस होती है, नई वोकेबलरी वो सीखते हैं क्योंकि नए सेंटेंस वो सुनते हैं। फिर इस छोटे बच्चे जो होते हैं इनिशियल स्टेजेस पे वो टीचर की जो टीचर जैसा बोलेगी उसको फॉलो करते हैं, तो वो रोज़ नए नए वर्ड सीखते हैं, उसको लर्न करते हैं वोकेबलरी को, जो टीचर सेंटेंस में फ्रेम करेगी वो उनके माइंड में इम्प्रिंट हो जाते हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन वोकेबलरी एक्सपेंशन, इससे बच्चों का जो वोकेबलरी है उस पर भी फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इज द मैथड रिस्पेक्ट्स द इनिशियल साइलेंस ऑफ स्टूडेंट्स, साइलेंट पीरियड। द साइलेंट पीरियड हेल्प स्टूडेंट्स टू टेक कॉन्फिडेंस इन देयर नॉलेज, सीन दैट बाय मीन्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड द लिसनिंग दे कैन एसोसिएट साउंड्स एक्शंस एंड मीनिंग्स। सी यहाँ पर बच्चे जो हैं एक साइलेंस को भी फॉलो करते हैं, साइलेंट पीरियड भी यहाँ पर आता है, विच हेल्प स्टूडेंट्स टू कॉन्फिडेंस। वो जो पीरियड है वो जब चुपचाप से टीचर का जो मैसेज है, लिंग्विस्टिक मैसेज है, जो लैंग्वेज में मैसेज टीचर कन्वे कर रही है, उस समय जो स्टूडेंट हैं वो चुपचाप से उसको सुनते हैं ध्यान पूर्वक, ताकि वो जो उन्होंने सुना है उस साउंड को वो एसोसिएट कर पाए एक्शन के थ्रू, और उसका जो जब वो एक्ट करेंगे तो उसको मीनिंगफुल तरीके से उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो इसमें लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टूडेंट हैव टू बी अटेंटिव एंड लिसन द कमांड और लिंग्विस्टिक मैसेज गिवन बाय द टीचर, एंड इफ देर इज डन एनी मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा सुन नहीं पाता है, इग्नोर, बच्चों से कोई स्किप हो जाए सेंटेंस और वो इनेक्ट नहीं कर पाए, एक्शन नहीं कर पाए, तो टीचर उसको करेक्ट करने की कोशिश करती है। सो लर्निंग बाय डूइंग हम इसको बोल सकते हैं। और टीचर इसमें माइमिंग भी करवा सकते हैं बच्चों को, बच्चे इसमें एक्शन करते हैं वो कुछ बोलते नहीं हैं, बस इनेक्ट करते हैं, दे डोंट स्पीक एनीथिंग बट दे जस्ट लिसन द लिंग्विस्टिक मैसेज और सेंटेंस और अ कमांड गिवन बाय टीचर, दे कॉम्प्रिहेंडेड, उसको समझते हैं और उसके बाद जो उनको समझ आया उसको इनेक्ट करते हैं इन अ माइम फॉर्म। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टी पी आर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मैथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, स्पेशली सेकेंड लैंग्वेज। टॉक अबाउट द वट आर द एडवांटेजेस ऑफ TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मैथड या फिर अप्रोच के थ्रू जब हम बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई भी सेकेंड लैंग्वेज, या हम बोल सकते हैं ESL लर्नर जो है, इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर जो है, वो बच्चे जब इसके थ्रू पढ़ते हैं तो क्या क्या उनको फ़ायदे मिलते हैं। सो फर्स्ट इज फन एंड ईजी, स्टूडेंट्स इंजॉय द एक्टिविटी, बच्चे इससे एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं, इंजॉय करते हैं। सिंपल TPR एक्टिविटीज़ डू नॉट रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ प्रिपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, टीचर को एज सच इसमें कोई भी स्पेशल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज नहीं करवानी पड़ती, जस्ट टीचर हैज़ टू डेमोन्स्ट्रेट और गिव कमांड टू द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। नेक्स्ट इज TPR इज इंक्लूसिव एंड वर्क्स वेल अ क्लास विद मिक्सड एबिलिटी लेवल्स, जहाँ पर कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम जहाँ पर है, जहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन फॉलो हो रही है, हर तरह के बच्चे हैं, आपको पता है मेंटल लेवल आपने ये पढ़ा है पूरा, ऐसे बच्चों को टैकल करने के लिए और सेकेंड लैंग्वेज सिखाने के लिए TPR जो अप्रोच है या फिर मेथड है ये बहुत हेल्पफुल है। जो बच्चे डायरेक्ट मेथड या फिर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू पढ़ने में अपने आप को इनकन्वीनियंट फील करते हैं, उनको समझ नहीं आता है, वो TPR मेथड के थ्रू इनिशियल स्टेजेस पे बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, क्योंकि वो टीचर को फॉलो करते हैं, जो टीचर बोलेगी एक्शन के थ्रू वो सीखते हैं। गुड फॉर किनेस्थेटिक लर्नर्स वो नीड टू बी एन एक्टिव इन क्लास, किनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं जो सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू परसीव करते हैं, बच्चे इसमें एक्शन के थ्रू अपने सेंसरी ऑर्गन्स को
एक्टिवेट करते हैं इसमें, और जो परसेप्शन आपकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अर्जित की जाती है वो बहुत देर तक आपके माइंड पे रहती है. सो नेक्स्ट इज गुड टूल फॉर बिल्डिंग वोकैबुलरी. इससे आपकी वोकैबुलरी इन्हांस होती है. टीचर आपको नए नए सेंटेंस रोज बताएंगी, आपसे आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगी, आप वो वर्ड अपने माइंड पे स्टोर कर लेंगे, यानी कि आपकी वोकैबुलरी भी इससे इन्हांस होती रहती है. एक्शंस हेल्प बिल्ड कनेक्शंस इन द ब्रेन. सो यू कैन यू नो कनेक्ट द थिंग्स. आप सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं और इससे आपको जो ब्रेन है वो भी एक्टिव रहता है. हेल्प्स लर्नर अचीव फ्लुएंसी फास्टर बाय इमर्सिंग लर्नर्स इन एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व देम इन सिचुएशनल लैंग्वेज यूज़. सो स्टूडेंट्स जो हैं इसमें वो एक्टिविटीज़ के थ्रू इन्वॉल्वमेंट रहती है उनकी, और सिचुएशनल बेस्ड हैं ये. सो वो जो लैंग्वेज है वो सिचुएशनल बेस्ड अप्रोच के थ्रू भी इसमें सीखते हैं. ये हमने पढ़ी है व्हाट इज सिचुएशनल अप्रोच. नेक्स्ट इज अ गुड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस फॉर ESLs इन देयर साइलेंट पीरियड. सो जब बच्चे साइलेंट होते हैं, जब वो टीचर को सुन रहे होते हैं. ESL मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग लर्नर्स. जब कोई स्टूडेंट इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ता है उसको ESL कहते हैं. सो ऐसे बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए न्यू लैंग्वेज सीखना बहुत ईजी हो जाता है. वर्क्स वेल फॉर चाइल्ड एंड एडल्ट लर्नर्स. ये बच्चों के लिए भी और जो एडल्ट हैं जिनको बहुत ज़्यादा एज के जो एडल्ट हैं उनको लैंग्वेज कोई न्यू लैंग्वेज सीखनी है उसमें ये जो आपकी TPR अप्रोच है या मेथड है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स अप्रोच जो है वो बहुत हेल्प करती है. क्रैमिंग इसमें नहीं होती है बट इसमें एक्शंस के थ्रू बच्चे सीखते हैं, टीचर की कमांड को फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं रेज योर हैंड. टीचर बच्चों को कह सकती है रेज योर हैंड, पुट योर हैंड ऑन योर फुट, टर्न अराउंड, पुट योर हैंड ऑन द फ्लोर. इस तरह से बच्चे टीचर की जो कमांड है इंस्ट्रक्शंस है या फिर लिंग्विस्टिक मैसेज है उसको कॉम्प्रिहेंड करते हैं और इनेक्ट करते हैं, या फिर टीचर माइम या फिर रोल प्लेइंग के थ्रू बच्चों को इसमें टीच करती है. बच्चे इससे इनेक्ट करना सीखते हैं, मॉरल वैल्यूज़ उनके अंदर इनकलकेट होती है. स्टोरी टेलिंग के थ्रू करेक्टर बिल्डिंग भी टीचर करवा सकती हैं इसमें. न्यू लैंग्वेज को आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू माइम के थ्रू कन्वे कर सकते हैं, इनेक्ट कर सकते हैं. आप इसमें आप साइलेंटली एक्टिविटीज़ को कॉम्प्रिहेंड करते हैं अपने जेस्चर्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू. सो हर एज ग्रुप के बच्चे के लिए, हर मेंटल लेवल मेंटल ग्रुप के बच्चे के लिए ये काफ़ी इजी लर्निंग है. सो वी कैन से कि बच्चे इसमें बॉडी मूवमेंट के थ्रू या फिर मोटर स्किल्स के थ्रू लर्निंग करते हैं, न्यू लैंग्वेज को सीखते हैं, और बच्चे खूब इन्जॉय करते हैं. दे इन्जॉय अलॉट, दे फील स्ट्रेस फ्री, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट थ्रू एक्शन, थ्रू गेम्स. गेम्स भी आप बच्चों को इसमें खिला सकते हैं. इस तरह से जो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग है वो काफ़ी इससे ईजी हो जाती है. बट देर आर सम यू नो डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस अप्रोच और मैथड ऑफ टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं क्योंकि ये बिगनर्स के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. हायर लेवल पर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. छोटे क्लासेस में आप बच्चों को इसके थ्रू पढ़ा सकते हैं और बच्चों को प्रिपेयर करवाना, क्योंकि हायर लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक सेंटेंस को टीचर इनेक्ट करवाए बच्चों से. इस तरह से सिलेबस कवर नहीं होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या फिर बच्चों को लैंग्वेज अच्छे से उस लेवल की नहीं एक्विजिशन नहीं होगी, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें उन्होंने जूनियर क्लासेस में सीख ली होगी. और जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे जो हैं सिर्फ इसमें अपने जो थॉट्स हैं आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो जस्ट कमांड को या फिर टीचर के जो मैसेज को ही इनेक्ट कर पाएंगे. सो खुद की क्रिएटिविटी वो नहीं दिखा पाएंगे इस मेथड के थ्रू. नेक्स्ट इज इट इज़ ईजी टू
ओवर यूज़ TPR एंड बिगिंस टू बोर स्टूडेंट्स. टीचर कैन हो सकता है टीचर हर रोज़ ही इसी मेथड या इसी अप्रोच के थ्रू बच्चों को सेकेंड लैंग्वेज सिखाएं, तो बच्चे डेली इस तरह से पढ़ के भी बोर फील करेंगे, क्योंकि इतने सारे मेथड एंड अप्रोचेस हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग में. इट मे यू नो नॉट बी एबल टू टारगेट शाई स्टूडेंट्स और स्पेशल स्टूडेंट्स. कई बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो शाई होते हैं, इनेक्ट नहीं कर पाते हैं कमांड को, ऑल दो उनको समझ आ रहा होता है, दे न्यू द मीनिंग, बट दे फील शाई, दे फील यू नो डिसकम्फर्ट, वो टीचर के सामने एक्शन करने में डिसकम्फर्ट फील करते हैं, या फिर वो खुद से इतने ओपन अप नहीं हो पाते हैं कि वो उसको फॉलो कर पाए कमांड को, या मैसेज को कॉम्प्रिहेंड कर पाए. सो ये भी चैलेंज रहता है, ये भी एक डिसएडवांटेजेस रहती है कि शाय स्टूडेंट्स इसके थ्रू ज़्यादा लर्निंग नहीं कर पाते हैं. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ TPR अप्रोच और मैथड. यू कैन टीच और यू कैन यूज़ दिस एज सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग मैथड एंड और एन अप्रोच. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट TPR इन डिटेल, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम. आपको एक असाइनमेंट बनानी है, यू हैव टू मेक एन असाइनमेंट, यू हैव टू एक्सप्लेन TPR इन डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग विच वी डिस्कस्ड, एंड सबमिट इट बिफोर 15 जून, ईमेल ऑन माई ईमेल ID एज आई गिवन अर्लियर. आपको इस पर असाइनमेंट बनानी है और मेरी ईमेल ID पे 15 जून से पहले सबमिट करना है.